नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी से यह कहकर गठबंधन तोड़ दिया कि उनका साथ सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही था, जिसके बाद अपना दल कमेरावादी ने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। इसके साथ ही कई सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, लेकिन अब पल्लवी पटेल का जो रुख है सपा के प्रति फिर से नरम दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या पल्लवी पटेल फिर से अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने यूपी की गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी रविवार को मुख्तार के परिवार से मिलने भी जाएंगे। और इस बीच पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन ने गाजीपुर सीट से सपा प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला किया है। आपको बता दें, पटेल पल्लवी पटेल का जो थर्ड फ्रंट जल्द ही अफजाल अंसारी का समर्थन करने का औपचारिक ऐलान करने वाला है। ऐसे में पल्लवी पटेल यूपी में जिस तरीके से पीडीएम मोर्चे को लेकर आगे बढ़ रही है, उसका मतलब है कि पिछड़े दलित और एम यानी थर्ड फ्रंट का कहना है कि वो अफजाल अंसारी को सपा प्रत्याशी के तौर पर नहीं बल्कि मुस्लिम होने के नाते समर्थन करेगा। ओवैसी मुख्तार के घर पर भी पहुंचे थे और परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मौत पर भी कई सवाल उठाए थे उन्होंने। आपको बताएं, परिवार ने जेल प्रशासन और उन्हें धीमा जहर देने के लिए पल्लवी पटेल ने भी इस पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी जाँच की भी मांग की थी। दरअसल यूपी राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर खुलकर बयानबाजी की थी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ गई। पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया, लेकिन तब सपा अध्यक्ष से फोन पर उनकी तीखी बहस भी हो गई थी। आपको बता दें, बाद में अखिलेश यादव ने पत्रकारों से साफ कहा कि लोकसभा चुनाव में उनका अपना दल कमेरावादी से कोई गठबंधन नहीं है, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने भी अपने रास्ते अलग कर लिए और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ओवैसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा और उसके बाद अखिलेश यादव को जोरदार झटका दिया। अब ऐसे में अखिलेश यादव का जो रुझान है वो फिर से पल्लवी पटेल की ओर दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के साथ ओवैसी के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, अखिलेश यादव भी आज उनसे मिलने जाने वाले हैं, तो ये सारे जो समीकरण बैठ रहे हैं, तीनों लोग एक ही बात के लिए मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो है अफजाल अंसारी और उनके परिवार को सपोर्ट करना। वैसे भी अगर ये पार्टियां फिर से एक हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं फिर से महागठबंधन को एक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर पल्लवी पटेल फिर से केवल अफजाल अंसारी को सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं और उनका अखिलेश से वैसा नाता नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को मनाते हुए भी नजर आए। क्योंकि अगर पल्लवी पटेल आती हैं तो जो तीन सीटों पर उनका दबदबा है, आने वाले समय में हो सकता है कि वो अखिलेश यादव को थोड़ा मदद देती हुई नजर आए। अब इस पे आने वाले समय में ये सारी चीजें पता चलेंगी कि ये तीनों पार्टियां एक साथ फिर से आती हैं या फिर नहीं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।